गुड नाइट गाइस, लेकिन अभी गुड नाइट नहीं करेंगे क्योंकि आज नाइट पे सोने से पहले कुछ बढ़िया ढूंढेंगे पीलीभीत के जंगलों में। तो अपना टॉर्च ले लिए हाथ में और निकल चले आज नाइट सफारी पे। तो एक बढ़िया से गुड नाइट के पहले आपको एक अच्छी सी नाइट सफारी दिखाते हैं। तो बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए आपके अपने अपने चैनल डॉक्टर बाबू साहब। और दीपांकर जी कैसे हैं? फिर आज क्या होगा नाइट सफारी में? आज देखो एक्साइटेड आज कुछ भी हो सकता है। सुबह की तो बहुत बढ़िया रही सफारी। हाँ बढ़िया जी। तो जो भी व्यूअर्स है, मैं दीपांकर जी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। दीपांकर जी एक साल पहले मुझे जिम कॉर्बेट में मिले थे, ढिकाला सॉरी फाटो जोन में, और वहीं से मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था जहाँ पर एक छोटे टस्कर ने भगाया था हम लोगों को, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो दीपांकर जी ज़्यादातर जिम कॉर्बेट को कवर करते हैं और इनका चैनल भी है वाइल्ड लाइफ डी जोन। तो आज दीपांकर जी के साथ करेंगे नाइट सफारी क्योंकि काफी पीलीभीत बनाते हैं। जो यहाँ का मेन एरिया है उसी में चलेंगे हम, हाईवे में जहाँ पे चांसेस है टाइगर या स्लॉथ बेयर के। क्योंकि काफी नाइट सफारी आप करते भी रहते हो, जिम कॉर्बेट के भी काफी व्लॉग्स है जिसमें पूरी पूरी रात गाड़ी में बैठ के इंतजार किया है, देखा है। और ये यहाँ पर रुके हैं, काफी अच्छा एक प्रॉपर्टी है एकदम, आप देखोगे तो ये गेट के पास में। तो बस अब यहाँ से दीपांकर जी के साथ अपनी नाइट सफारी शुरू करते हैं। तो कोई भी आना चाहे तो बहुत अच्छी जगह है प्रिंस होम स्टे, हम लोग तो थोड़ा दूर रुके हैं और यहाँ से आप समझ लीजिए बस 50 मीटर की दूरी पे वो सामने जहाँ लाइट दिख रही है वहीं से गेट की एंट्री है। तो अभी तो जंगल बंद है लेकिन हम लोग पीछे हाईवे पर जाएंगे जहाँ पर टाइगर का काफ़ी मूवमेंट रहता है। तो साथ में बने रहिए और आज बढ़िया से एक नाइट सफारी करने की कोशिश करते हैं, कुछ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर जो प्रिंस होम स्टे दिखाया था बहुत बढ़िया रूम्स है, मतलब जंगल में जब आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं मिलता है लेकिन हाँ वेल टू डू, काफ़ी एसी लगा है, अच्छा है। और यहाँ पर अभी डिनर कर रहे हैं जो साथ में कुछ साथी थे, काफ़ी लोग रुके भी हैं तो यहाँ पर आके आप लोग रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। बस बढ़िया आप करिए। तो ये हमारे खत्री साहब हैं, राइट ना? हाँ, तो खत्री साहब से मुलाकात आपकी कराते हैं, ये भी वाइल्ड लाइफ कवर करते हैं जिम कॉर्बेट में। और इनके भी, आपका नाम क्या है चैनल का खत्री साहब? वाइल्ड लाइफ विद खत्री। वाइल्ड लाइफ विद खत्री, तो वहाँ भी जाके आपको जिम कॉर्बेट का देखना हो तो जिम कॉर्बेट के काफ़ी ज़्यादा जंगल को कवर करते हैं खत्री जी। तो गाइस अब बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो आपको एक हल्का सा रात को यहाँ का दिखा दिया एक नज़र कि कहाँ रुक सकते हैं। और बस अब यहाँ से शुरू करेंगे, पीछे आपको टाइगर दिखे रहा है, इसी टाइगर को आज ढूंढेंगे इस रात के अंधेरे में। तो जैसे हमारे नाइट सफारी के साथी दीपांकर जी ने हमारा स्वागत किया, वैसे ही हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस अनोखी वीडियो में। अनोखी इसलिए क्योंकि आज हम आपको पहली बार घर बैठे घने जंगल की नाइट सफारी का एक्सपीरियंस देंगे। सफारी की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जब सफारी में नेवला दिखे तो बाघ के दर्शन जरूर होते हैं, और जब भी खरगोश दिखे तो बाघ के दर्शन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, शुरू के 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम फॉरेस्ट के चेक पोस्ट पर पहुंचे जहां से अब हम कोर जोन में प्रवेश करने वाले हैं। ये जो आप पानी की आवाज सुन रहे हैं ये वही शारदा नदी के बहने की आवाज है जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच में से बहती है। हम यहां पर एक बार रिवर बैंक को अच्छे से चेक कर रहे हैं क्योंकि एक सफारी में हमें यही बाघ बैठा मिला था। इस नाइट सफारी में हम आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व के दोनों बफर जोन की नाइट सफारी कराएंगे। तो अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये खटीमा की तरफ जाती है, तो पहले हम ये खटीमा वाला जो एरिया है इसको अच्छे से चेक करेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं और हमसे पूछते भी हैं
कि आखिर ऐसे रात को, ऐसे अंधेरे में, जब बिना टॉर्च के कुछ भी नहीं दिखता, तो जंगल के अंदर गाड़ी में नाइट सफारी करना कितना सेफ है। रात को जंगल जाने में जोखिम तो है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ जाएं और बिल्कुल भी शोर ना करें तो ये खतरा अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि खतरा तो स्काई डाइविंग में भी है और पहाड़ चढ़ने में भी। तो फिर लोग थ्रिल के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, तो हम अपने थ्रिल के लिए नाइट सफारी करते हैं। भाई सी आप देख रहे हैं, ये खटीमा करके जगह है, उस रोड पे हम लोग चल रहे हैं। खटीमा यहाँ से 20 किलोमीटर, और इसी खटीमा रोड पे कई बार टाइगर क्रॉस करते हुए यहाँ तक कि रोड के बगल में या बीच में बैठा हुआ दिखा है। तो वही सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर जंगल रात को। और ये देखिए यहाँ भालू स्लॉथ बियर का इलाका है, बोर्ड भी लगा हुआ है। गाइस ये आप दिखाना चाह रहा हूँ, ये सीधा प्रामरम पंच है सुरई है, और ये उत्तराखंड के अंदर अब हम लोग एंटर कर दिए। तो गाइस जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि अब हम लोग उत्तराखंड के एरिए में अंदर आ गए, और यूपी से हम लोग ने अपनी नाइट सफारी शुरू करी थी, और अब हम आ गए उत्तराखंड के जंगल के एरिए में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि यही पैशन बना रहे, क्योंकि आप लोग के लिए देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। और रात का इस समय 1 बज रहा है, और अभी हम लोग जिम कॉर्बेट का जहाँ पर बॉर्डर लगता है जिस जंगल का, उससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इसी देखिए एक जंगल का ये गेट है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो जैसा मैं बता रहा था, हम लोग एकदम जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं, ये कोई हाईवे नहीं है। काफ़ी दूर आने के बाद भी इस तरफ कुछ ना मिला, तो हमने पीछे जाने का निर्णय लिया, और अब हम उस जंगल के एरिए में जाएंगे जहां पर लेपर्ड कई बार देखा गया है। तो गाइस अब यहां से गाड़ी हम लोग यूटर्न ले रहे हैं, क्योंकि अपनी बेस लोकेशन से काफ़ी दूर आ गए हम लोग। गाइस अब हम लोग यहां से अपनी गाड़ी को यूटर्न ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बेस कैंप से काफ़ी दूर आ गए, जैसा कि आपको बताया था कि यूपी से उत्तराखंड। तो लौटेंगे यहाँ से, लेकिन जंगल में और देखते हुए चलेंगे, कुछ भी अगर जंगल में दिखता है। लो पीछे लो, कुछ तो दिखा था हल्का सा, लेकिन इसमें तो नहीं कुछ दिख रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब हम यूपी के चेक पोस्ट के पास आ गए हैं, और अभी इसको क्रॉस करके यूपी में एंट्री लेंगे। गाइस दोबारा अभी उसी स्पॉट पे आ गए, यूपी में जहाँ बताया था वापस, और यहाँ भी पानी के पास में देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं। यहाँ तो बस कुछ भी नहीं है, और ये क्योंकि एक सफारी में हम लोग कहीं पानी के पास में बैठा हुआ दिखा था। अब हम दोबारा उसी रोड पे आ गए हैं जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एकदम कोर जोन के पास से निकलती है। ये सामने आपको एक वॉच टावर दिख रहा होगा, और उसके ठीक सामने एक बैरिकेडिंग है जो कि मोहब रेंज की अंदर जाती है, जिसको हम कच्ची पटरी बोलते हैं। तो अब हमारे पास ये लास्ट मौका है कुछ भी साइटिंग करने का, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ और लेपर्ड रात को देखे जाते हैं। रात की सफारी आपके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज़ से भिन्न है। ये आपके अंदर सबसे अच्छे और सबसे बुरे को सामने लाता है। बचपन से आपके सभी भय प्रकट होने लगते हैं, और एड्रेनल पंप अपने आप होता रहता है। ऐसे समय होते हैं जब जानवरों और पक्षियों द्वारा की जा रही आवाज़ों को सुनने के लिए वाहन
को रोक दिया जाता है और लाइटें बंद कर दी जाती हैं। जब रात का अंधेरा और जंगल की आवाजें आप पर हावी होने लगती हैं, जब आपकी गर्दन पलपाल उगने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं कि जंगल आपको निगलने वाला है, फाइनली हम उस स्पॉट पे आ गए जहां पर हर दूसरी रात को लेपर्ड सामने की बाउंड्री पे बैठा लोगों को दिखता है। तो यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और एक बार अच्छे से इस एरिया को चेक करेंगे। बाउंड्री है, इस पे यहाँ बैठा हुआ हो सकता है। तो जैसे ही उस नदी और उस पुलिया को हमने पार किया, तभी हमें कुत्तों के बहुत तेज भौंकने की आवाजें सुनाई पड़ी। और जैसे ही हम आगे बढ़े, एक पास की फैक्ट्री की बाउंड्री पे हमें कुछ बैठा दिखाई दिया। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई हमारी मदद करे तो बदले में हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू ये शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को अपने तहे दिल से थैंक यू और शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट और उनके मोटिवेशन से ही हम ये कर पाते हैं और हम बहुत अच्छे व्लॉग्स इस तरह के आपके सामने ला पाते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल डॉक्टर बाबोसा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।